कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर हिजाब विवाद अब भगवा और तिरंगे की जंग का रूप ले चुका है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर कुछ युवक कॉलेज में लगे तिरंगे झंडे को हटाकर भगवा झंडा लगाते हुए दिख रहे हैं। घटना शिमोगा की बताई जा रही है और भी कई जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का निर्देश भी दे दिया था। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार 8 फरवरी को हिजाब मामले में मुस्लिम छात्राओं की 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम कारणों और कानूनों के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा हम वही कहेंगे। संविधान ही हमारे लिए भागवत गीता है। जहां 1 जनवरी को उड़पी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिए जाने पर ही विवाद शुरू हुआ, वहीं फिर एक के बाद एक कर्नाटक के कई कॉलेज में हिजाब पर रोक लगाने के मामले सामने आने लगे। साथ ही ऐसी वीडियोस भी सामने आने लगी जिसमें कई बच्चे भगवा स्कार्फ पहने जय श्री राम के नारे लगाते मार्च निकालते नजर आए। उनका यह कहना था कि अगर ये हिजाब पहनेंगी तो हम भगवा स्कार्फ पहनेंगे। और फिर उसके बाद ये मामला बढ़ता ही चला गया और अब इस मामले में पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई भी शामिल हो गई है। मलाला ने अपनी पोस्ट में लिखा, हिजाब पहनकर लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना भयावह है। महिलाओं के कम या ज्यादा कपड़े पहनने पर आपत्ति जताई जा रही है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश में वोटिंग से 1 दिन पहले प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं # के साथ लिखा है कि महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार संविधान में मिला है, इसे लेकर उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, संविधान महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार देता है। वो जो चाहे पहन सकती हैं, फिर वो बिकनी हो या घूंघट, जीन्स हो या हिजाब, महिलाओं को परेशान करना बंद कीजिए। आपको बता दें कि आज राज्य कैबिनेट की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में हिजाब विवाद को लेकर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री बोम्मई पहले ही 3 दिन के लिए राज्य के स्कूलों कॉलेजों को बंद करने का आदेश दे चुके हैं और इधर कर्नाटक हाईकोर्ट भी आज लगातार 2रे दिन हिजाब मामले पर सुनवाई करने वाला है। आज की वीडियो में बहस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।